रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट घोषित होने के बाद कांग्रेसियों में ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेसी दो खेमे में बटे नजर आ रहे। एक खेमा प्रियंका गांधी से टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहा, तो दूसरा खेमा प्रत्याशी चयन से खुश होकर प्रियंका गांधी को धन्यवाद प्रेषित कर रहा। आपको बता दें, रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा अमेठी संसदीय क्षेत्र में आती है। यहां से करीब आधा दर्जन प्रत्याशी टिकट को लेकर दावेदारी में जुटे हुए थे। बीते दिनों कांग्रेस ने यहां से अर्जुन पासी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। टिकट देने से नाराज चल रहे एक खेमे ने सलोन में बैठक कर चयन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की राय न लेने का आरोप लगाया। साथ ही प्रियंका गांधी को पत्र प्रेषित कर प्रत्याशी चयन पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर त्याग पत्र देने की भी चेतावनी दी थी। वहीं प्रत्याशी चयन से खुश दूसरे खेमे ने सलोन में बैठक कर अर्जुन पासी को प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया। रविवार को दूसरे खेमे ने अर्जुन पासी को विजयी बनाने के लिए आगे की रणनीति बनाने पर भी चर्चा की। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन सुधारने में जुटी कांग्रेस का उसके ही गढ़ रहे अमेठी में टिकट के लिए यूं घमासान मचना शुभ संकेत नहीं माना जा रहा। नीरज श्रीवास्तव सलोन से प्रदीप गुप्ता के साथ SABN न्यूज़।